हेलो दोस्तों, आपका नेक्स्ट बिगिन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका बिजी का यूज़र नेम और पासवर्ड अगर फॉरगेट हो जाता है, या आप भूल जाते हैं किसी भी कारण से, यूज़र नेम और पासवर्ड को याद नहीं कर पा रहे हैं, आपका यूज़र नेम पासवर्ड खुल नहीं पा रहा है, कोई भी इशू हो सकता है, मैं आपको अपने के किसी भी कंपनी का, एनी कंपनी का यूज़र नेम और पासवर्ड ईजिली एक्सेस करना बताऊँगा, जिसे आप बहुत आसानी से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एक्सेस कर सकते हैं। इसमें मैं किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मेरे पास है। अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी बात करनी हो या कुछ भी अगर सॉफ्टवेयर चाहिए हो तो मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार ही डाटा का पासवर्ड यूज़र नेम दोनों रिकवर करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं पहले आपके आगे डेमो दिखाऊंगा, कंपनी खुद क्रिएट करके उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालूंगा और दिखाऊंगा आपको। मैं एक डेमो कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ और इसे सेव करके इसमें यूज़र नेम पासवर्ड आपके आगे डालूंगा और उसे दिखाऊंगा कि मैं पासवर्ड कैसे चेंज हो गया और किस तरीके से मैंने उसको रिकवर किया। ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है। मैं आपके आगे फिलहाल इसमें यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता हूँ, जिससे आपको आसानी रहेगी जानने में। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, यूज़र नेम डाला हर्ष, पासवर्ड में 123456678 डाल रहा हूँ और 123456678 री अगेन डाल दिया। ये मैंने काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला है, जिससे आपको यकीन रहे कि ये पासवर्ड चेंज हुआ है। ये देखिए, अभी कंपनी ओपन है और मैं आपको दिखा देता हूँ। हर्ष यूज़र नेम है, 123456678 पासवर्ड है इसका, जिससे कंपनी लॉगिन हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे मैं कैसे रिकवर करूँगा। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इसे ओपन करके इसमें सर दो ऑप्शन है जिससे आप बड़ी आसानी से यूज़र नेम और पासवर्ड एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेस का डाटा है बिजी का तो आप तो भी उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपका एसक्यूएल का है डाटा तो भी आप उसे रिकवर कर सकते हैं। एसक्यूएल के लिए आपको आपके एसक्यूएल की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एक्सेस के लिए सिर्फ आपको पाथ दिखाना है और आपका काम हो जाएगा। पहले मैं एक्सेस का दिखाता हूँ आपको, ये आपकी दोनों कंपनियाँ ऑटोमेटिकली दिखा देगा, जो आपका एक्सेस का डाटा होगा वो कंपनी ऑटोमेटिक शो कर जाएंगी। अगर फिर भी नहीं शो करती हैं आपकी कंपनियाँ तो आप पाथ दे करके डाटा के फोल्डर पर सिलेक्ट करके बिजी के, अगर सपोज आपका ई ड्राइव में डाटा तो बिजी विन डाटा के अंदर जाके अपनी कंपनियाँ शो करा सकते हैं। फिलहाल मेरा डाटा डेस्कटॉप पे है तो मैं वहाँ से आपको दिखा देता हूँ रिकवर करके। ये दोनों मेरी कंपनी शो कर गई हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों कंपनियों का मेरा यूज़र नेम शो कर चुका है ऑलरेडी। मैंने आपके आगे यूज़र नेम हर्ष डाला था, पासवर्ड आपके आगे लॉन्ग बहुत लंबा डाला था। तो मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा पासवर्ड सेट करके दिखा रहा हूँ। नीचे पासवर्ड आ रहा है सेट न्यू पासवर्ड, मैं आपके यहाँ पर आगे ए पासवर्ड डाला यूज़र नेम और ए पासवर्ड दोबारा डाला। मैंने ये दोनों बार ए डाल करके इसे अपडेट करता हूँ। देखो, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली और ये एग्जिट करा। मैं आपको बिजी ओपन करके एक सिंपल से वर्ड से आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, जो कि मैंने अभी भी सेट करा है। यूज़र नेम आपको शो कर ही चुका था, जो मैंने अभी भी करा है। यूज़र नेम हर्ष है और ये मैंने आपके आगे ए लिखा और ये देखिए कितनी आसानी से मेरा बिजी का डाटा एक्सेस हो गया। अगर आपको कभी भी डाटा आपका फॉरवर्ड हो जाता है या भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे कॉन्टैक्ट करके अपना डाटा रिकवर करा सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा ये आपका। और अगर बिजनेस रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करानी हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत हो या बिजी रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।